हे गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 को कंपेयर करने वाला हूँ नथिंग ईयर 1 के साथ, क्योंकि इन दोनों में जो है वो साउंड क्वालिटी जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहने वाला है। इवन नथिंग ईयर 1 जो है ये ऐसा जो है वो मार्केट में हाइप बना है, और ये नथिंग ईयर 1 जो है वो इसको कॉम्पीट लोग कर रहे हैं वन प्लस के बर्ड्स प्रो के साथ। सो अभी जो है वो गैलेक्सी बर्ड्स 2 जो है वो लॉन्च किया गया है ग्लोबली, और बहुत ही जल्द आपको ये इंडिया में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, मैं इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या डिफरेंसेज हैं, और कौन सा आपको जो है वो परचेज़ करना चाहिए। सो गाइज, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गैलेक्सी बर्ड्स 2 से। तो इसमें आपको जो है वो 11 mm का जो है आपको वूफर मिलता है, और 6.5 mm का ट्विटर मिलता है, और वहीं नथिंग ईयर 1 में 11.6 mm का ड्राइवर मिलता है। यहाँ पे आपको वेट के बारे में बता दूँ तो यहाँ पे आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 में 5.0 ग्राम का आपको वेट मिलता है बर्ड्स का, और नथिंग ईयर 1 में 4.7 ग्राम बर्ड्स का वेट मिलता है। केस का वेट जो है वो गैलेक्सी बर्ड्स 2 में 41.2 ग्राम का मिलता है, और नथिंग ईयर 1 में 47.4 ग्राम का केस का वेट मिलता है। दोनों ही में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाता है, और अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन रखते हैं तो यहाँ पे आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 में 5 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है बर्ड्स का, और नथिंग ईयर 1 में आपको 4 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है बर्ड्स का अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन रखते हैं तो। और विद केस एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन रखने पे गैलेक्सी बर्ड्स 2 में आपको 15 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है, और नथिंग ईयर 1 में 24 आवर का प्लेबैक टाइम मिलता है। यहाँ पे आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 में 3 माइक जो है वो दिया गया है, और नथिंग ईयर 1 में भी आपको जो है वो 3 माइक का जो है आपको इसमें सपोर्ट दिया गया है। बैटरी में आपको बता दूँ तो यहाँ पे आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 में 472 mAh का बैटरी मिलता है केस में, और 61 mAh का जो है वो ईयरबड्स में। वहीं अगर नथिंग ईयर 1 में देखा जाए तो यहाँ पे आपको 570 mAh का केस में आपको जो है वो बैटरी मिलता है, और 31 mAh का आपको जो है वो ईयरबड्स। वाटर रेजिस्टेंट में गैलेक्सी बर्ड्स 2 में आपको IPX2 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, और नथिंग ईयर 1 में IPX4 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, और अगर आप गैलेक्सी बर्ड्स 2 को 5 मिनट चार्ज करते थे तो 60 मिनट का बैकअप मिलता है, और नथिंग ईयर 1 को अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हैं तो आपको 8 आवर का बैकअप मिलता है। यहाँ पे अगर ऑडियो कोड्स के बारे में बात करें तो गैलेक्सी बर्ड्स 2 में आपको AAC, SBC और सैमसंग स्केलेबल कोड्स जो है वो मिलते हैं, और नथिंग ईयर 1 में आपको जो है वो AAC एंड SBC का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पे आपको दोनों ही में वायरलेस QI चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, और ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है, और यहाँ पे आपको नथिंग ईयर 1 में फाइंड माई ईयरबड्स का जो आपको सपोर्ट मिलता है, और गैलेक्सी बर्ड्स 2 में आपको ये फीचर नहीं दिया गया है। दोनों ही को आप ऐप कंट्रोल कर सकते हैं, और प्राइस के मामले में नथिंग ईयर 1 का प्राइस है 5,999 rupees, और गैलेक्सी बर्ड्स 2 का जो प्राइस है वो अराउंड 12,000 rupees होने वाला है। सो गाइज, अगर इन दोनों बर्ड्स में देखा जाए तो आपको जो है वो नथिंग ईयर 1 जो है वो परचेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्सी बर्ड्स 2 जो है इसमें आपको IPX2 वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, और नथिंग ईयर 1 में IPX4 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है, और यहाँ पे आपको जो है वो बैकअप आपको नथिंग ईयर 1 में ज़्यादा अच्छा मिलता है। फाइंड माई बर्ड्स का आपको सपोर्ट मिलता है, अगर आपका बर्ड्स इधर उधर कहीं गुम हो गए हो तो यहाँ पे आपको फाइंड माई बर्ड्स पे अगर आप जाते हैं तो वो बर्ड्स जो है वो आवाज़ करना, बीप करना जो है वो चालू कर देगा, और आप जो है वो उसको ढूंढ पाएंगे, और ये फीचर आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 में नहीं मिलता है। तो दो तीन चीज़ जो है यहाँ पे आपको प्रो फीचर मिलता है, IPX4 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है नथिंग ईयर 1 में, और यहाँ पे आपको गैलेक्सी बर्ड्स 2 में IPX2 रेटेड वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। और मैंने कुछ रिव्यूज में पढ़ा है तो वहाँ पे जो है वो डिनोट किया गया है कि इसका जो बेस है वूफर का जो है वो अलग से दिया गया है 11 mm का, लेकिन इसका जो थंपिंग वाला बेस है वो उतना टॉप ऑफ द नॉच जो है वो नहीं दिया गया है। तो 12,000 rupees में अगर आपको कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है और वाटर रेजिस्टेंट में आपको उतना अच्छा नहीं मिल रहा है तो आप जो है वो नथिंग ईयर 1 के साथ जाइए, क्योंकि इसमें आपको हर चीज़ जो है वो काफ़ी टॉप नॉच मिल रहा है, और बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में आपको जो है ये नथिंग ईयर 1 का साउंड क्वालिटी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।